महापौर विनोद अग्रवाल ने अपने तीसरे कार्यकाल के 8 माह पूरे होने पर नगर निगम कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर मुरादाबाद महानगर में हुए विकास कार्यों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, मुरादाबाद महानगर में तेजी के साथ विकास कार्य कर रहा है। अब तक कई सड़कों का निर्माण हो चुका है और कई सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि महानगर में चहुमुखी विकास हो रहा है, अब घरों से कूड़ा उठाने के लिए नई एजेंसी से अनुबंध किया गया है। उन्होंने दावा किया कि 240 दिन के कार्यकाल में 2400 विकास कार्य किए जा चुके हैं। महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य पर नगर निगम आगे बढ़ रहा है। महानगर के जिन्हें 50 वार्डों में अब तक घर घर कूड़ा उठान के लिए कोई एजेंसी नहीं थी, उसमें अब एक नई एजेंसी को काम दिया गया है जो इन वार्डों में जाकर घर घर से कूड़ा एकत्रित करेगी। उन्होंने कहा कि देश के 100 विकसित महानगरों में शामिल मुरादाबाद में विकास कार्य करीब 80% पूरा कर लिया गया है। जून तक स्मार्ट सिटी मिशन की सभी परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 4 मार्च को नगर निगम बोर्ड की बैठक के 6 मार्च को 15वें वित्त संबंधित बैठक होगी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जून माह में हमारे 3 साल के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर मुरादाबाद महानगर में कई विकास कार्य पूरे हो जाएंगे। आने वाले समय में मुरादाबाद महानगर की बदली हुई सूरत आप सबको नजर आएगी। इस तीसरे मेरे कार्यकाल के 8 महीने पूरे होने पर मोदी की गारंटी और विकसित भारत विकसित मुरादाबाद के लक्ष्य को आगे लेते हुए हम लोग आज आपके समक्ष हैं और मुरादाबाद विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और अपने किए हुए वायदों को पूर्ण करने के लिए जो कार्य योजना बनाई गई है उनके क्रियान्वयन और उनकी समीक्षा के साथ साथ आज जनता के बीच अपनी बात को हम रख रहे हैं। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब मुरादाबाद में 8 महीने में 2400 दिन और लगभग 2400 कार्यों को हम अंजाम देने जा रहे हैं जो इसी वर्ष जून के अंत तक पूरे होंगे जब हमारा 1 वर्ष पूरा होने को होगा। इसके अंदर अभी इसी सप्ताह हमने 500 सड़कें गलियां जहाँ जहाँ ज़रूरत थी अति अनिवार्य धन की उपलब्धता के आधार पर हमने लगाए और अभी हम 6 मार्च को भी लगभग 19,76,00,000 रुपए से टाइट ग्रांट में और 13,17,00,000 की जो अभी हमें इसी पिछले सप्ताह प्राप्त हुई है उसकी कार्य योजना बनाकर भी उसको भी मुरादाबाद में कार्यों को शुरू कराया जाएगा।